अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज़ अगेन लिखा। सबसे पहले हम देखेंगे इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें से क्या चीज़ कॉमन है? 3। एक्स एज इट इज़ आ गया, 3 कॉमन आ गया। 3 का टेबल पढ़ें कि हमारे पास 75 आए। 3 का टेबल पढ़ते हैं, 325 75 5। ये ठीक है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है जिसके दरमियान में माइनस हो और इन दोनों में से किसी के ऊपर भी स्केयर हो, तो इसका मतलब होता है हमने इसके एक मरतबा इसको माइनस में, एक मरतबा प्लस में लिखना है। 3 एज इट इज़ आ जाएगा। मैं इसको लिखूँगी एक्स का स्केयर, मैं पहले 5y का स्केयर में इसको इस तरह डिवाइड कर सकती हूँ। इसमें अब हमने क्या करना है, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 की तरफ। स्लो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा है। एक्स का स्केयर माइनस एक्स वन जा एक्स, माइनस वाई का स्केयर माइनस माइनस प्लस वाई। स्केयर वैल्यूज एक साइड पे लिख लेते हैं हम। एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर माइनस एक्स प्लस वाई। पेयर बनाते हैं इसका, एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस। इसका मैंने बना लिया पेयर। ये देखें दरमियान में माइनस है, इन दोनों के ऊपर स्केयर है, तो मैं एक बार इसको प्लस में लिखूँगी और एक बार माइनस में। दरमियान में माइनस है, इनमें से क्या चीज़ कॉमन हो रही है? ये है, इसमें ये दोनों एक जैसी है, तो मैं इसमें से कॉमन लेती हूँ। एक्स वाई मैंने ले लिया कॉमन, अंदर ये एज इट इज़ आ जाएगा और इसको कॉमन लिया तो ये वन जर, तो हम लिखेंगे माइनस वन, ये इसका आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। सॉल्यूशन क्वेश्चन एज इट इज लिखा है। सबसे पहले हम अलजेब्रा में देखते हैं कॉमन लेते हैं, इनमें से 2 को हम लेते हैं कॉमन, 2a, a भी कॉमन आ रहा है, चलिए a को भी कॉमन ले लेते हैं। 2 पढ़ें, 2 का टेबल पढ़ें कि हमारे पास क्या आ जाए, 2 4 2 6। ए कॉमन आ गया, अंदर m का स्केयर माइनस 2 1 2 2 2 4 2 1 2, n का ये मेरे पास आ गया। 2a एज इट इज़ आ गया। ये एक बार देखेंगे माइनस है और स्केयर है, तो हमने वही करना है। एक बार माइनस में पहले मैं इसका स्केयर रूट ले लेती हूँ। 8 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, 8 8 64। इसको मैं इस तरह ले लेती हूँ, ये न्यू स्टेप। एक स्टेप हम करेंगे 11 11 121 करेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। एक बार इसको आप लिखें माइनस में, एक दफ़ा लिखें प्लस में। ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 4। सॉल्यूशन लिखते हैं। 3x माइनस 243 एक्स का क्यूब, इसमें से कॉमन लें। सबसे पहले 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x वन जो 3x,
थ्री एक्स को इससे कॉमन लेंगे तो 81 आएगा, 81 एक्स से एक बाहर चला गया तो एक्स का स्क्वायर। ये देखें दरमियान में माइनस है और एक के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लूँगी एक पर माइनस में एक पर, 3x एज इट इज़ आ गया 1 9 9 81 होता है, तो मैं इसको लिखूँगी एक बार इसमें और एक बार लिखूँगी मैं माइनस में, ये इसका आंसर हुआ। पार्ट कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 किया था मैंने 5.1 का। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट वन की तरफ चलते हैं। इसमें ये रूल होता है कि हमने देखना है ऐसी चीज़ के जो किसी फार्मूले में आ सके, ये लास्ट पार्ट फार्मूले के अंदर फिट आ सकता है। तो मैं इसको किस तरह सॉल्व करूँगी, एक्स एच इट इज़ आ गया, मैं लिखूँगी वाई देखें किस तरह किया मैंने, एक्स किस किए इसमें से मैंने वो पार्ट करना था जो के फार्मूले में आ सके, मैंने इसको लिया तो मेरे पास आ गया वाई प्लस 6y+9, बाहर माइनस था जिसकी वजह से अंदर वाली वैल्यूज प्लस हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, अगर माइनस में हो तो प्लस में हो जाती हैं, प्लस में हो तो माइनस में हो जाती हैं। मैंने भी लिखा ए का स्केयर प्लस 2ab+b का स्केयर, फिर मैंने ये फार्मूला बंद कर दिया ए प्लस बी का होल स्केयर। अब ये माइनस है तो इसी वैल्यूज को मैं एक बार माइनस में लिखूँगी और एक बार प्लस में ओपन करूँगी, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अब हम, नेक्स्ट पार्ट सेम एज इट इज़ है, सॉल्यूशन एक्स का स्केयर ए प्लस 2ab, एक्स एज इट इज़ रहा, वैल्यूज़ क्या हो गई हैं चेंज हो गई हैं, क्योंकि ये प्लस में था साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में था ये साइन चेंज हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहा। चलें ए का स्केयर माइनस 2 ए की वैल्यू बी की वैल्यू प्लस बी का स्केयर, मैं वे फार्मूला बंद करती हूँ ए, क्योंकि माइनस था ए माइनस बी का होल स्केयर, जहाँ दरमियान में माइनस हो उसका वैल्यू होती है, इसका मतलब होता है एक बार माइनस में लिखना है एक बार प्लस में, ये क्योंकि मैं अब ओपन करने लगी हूँ ए माइनस 1, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी, ये माइनस में लिखी है और ये मैंने लिख दी है प्लस में, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 सॉल्यूशन 4x-y का स्केयर माइनस 2y-1, 4x का स्केयर एज इट इज़ रहा। अब हम सॉल्व करते हैं वैल्यूज़ अंदर वाली, y का स्केयर माइनस माइनस प्लस 2y-1, ठीक है, फार्मूला ओपन करें, a का स्केयर या y का स्केयर कह लें हम लोग, x का स्केयर प्लस 2 ए की वैल्यू बी की वैल्यू प्लस बी का स्केयर, 4x, फार्मूला बंद करते हैं हम, ये माइनस है इधर, y प्लस 1 का होल स्केयर। अब हम इसको ओपन करेंगे, एक बार माइनस में प्लस में इसका हाफ लें, टू एक्स यहाँ प्लस आ जाएगा, अंधी वाली वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4,
ये वाला जो पार्ट है ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, आपने बहुत ही ध्यान से देखने हैं। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ है ना ये किसी भी फार्मूले में फिट नहीं हो रही हैं। तो जब कोई वैल्यू किसी फार्मूले में फिट ना ना हो तो हम इस तरह अरेंज करते हैं कि वैल्यूज़ फिट हो जाएं। तो मैं इसमें ना एक वैल्यूज़ ऐड करूँगी, ऐसी वैल्यू ऐड करूँगी कि जो कॉन्स्टेंट है, मैं फिर इसके ना मैं सिर्फ कॉन्स्टेंट को चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ना हमारे पास सिर्फ कॉन्स्टेंट है एक है, बाकी सब कुछ ठीक है। एक्स की वैल्यूज़ 2 हैं, वाई की वैल्यूज़ भी 2 हैं, सिर्फ वे कॉन्स्टेंट। तो मैं ऐसा कॉन्स्टेंट लेकर आऊँगी ये जिसको सॉल्व करने से मेरे पास प्लस 3 आए। तो मैं कह सकती हूँ 4-1 को जब हम सॉल्व करेंगे प्लस ये आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी जिसका आंसर क्या आएगा, 3। आंसर ये आना चाहिए लेकिन ये दो वैल्यूज़ सॉल्व करेंगे, मैं इसकी जगह ये दो वैल्यूज़ ऐड करने लगी हूँ। करते हैं फिर एक्स वाई का स्केयर -4x -2y, इसकी जगह लिखूंगी +4-1, यानी कि इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये चीज़ लिख दी। अब इसको अरेंज करें। अच्छा, मैं एक्स की स्केयर -4x+4, इससे एक फार्मूला बन रहा है, इसको एक कर दिया मैंने, ठीक है। आगे -y² -2y-1। अच्छा, क्योंकि ये माइनस था इसके अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चलें आप फार्मूला करें हम लोग। चलें इस आप इसमें फार्मूला अप्लाई करें, a² -2ab + b² फिर इधर भी a² + 2ab + b². अब मैं डायरेक्ट लेती हूँ होल स्केयर, इसका ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ क्योंकि माइनस से -2 का ये मैं ab का होल स्केयर ले लिया, ठीक है। इधर मैंने लिया है माइनस, ये प्लस है तो प्लस का होल स्केयर, ठीक है। यहाँ तक आप आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलें इसको ओपन करें, इसका मतलब है एक पर माइनस में, एक पर प्लस में, इसी तरह ये एक पर माइनस में, एक पर प्लस में ओपन किया है। अब इनको दूसरा करें, मैंने तो इस तरह कर दिया, अगर आप ये ना भी करना चाहें ना आप लोग कर सकते हैं इसको इस तरह x-2, ठीक है। ओहो मेरी ये हो गई है x-2- डायरेक्ट करती हूँ, ये मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि ये अभी लोगों की क्लास में। अच्छा माइनस, ये माइनस ध्यान रखें तो अंदर वाली वैल्यूज क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। इसी तरह x-2 इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस, तो अंदर वाली वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, ये इसका आंसर है। और हम इस तरह इसको नेक्स्ट और भी कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमने 3 की वैल्यू किसकी वजह से लेकर आए थे, इसकी वजह से। अच्छा सेम वैल्यू कॉन्स्टेंट देखें, इसमें क्या चीज़ है, आगे अगर मज़ीद आप सॉल्व करना चाहें, -, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये कर लें x+y, इनमें से -1, इसका आंसर हम इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट भी आप सॉल्व कर सकते थे, तो ठीक है ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। सॉल्यूशन पार्ट 5 की तरफ हम चलते हैं। 25x² + 1-36 का स्केयर सॉल्व करें, ये फार्मूले के अंदर पुट हो रहा है, 1² -2a + b + b² माइनस आ गया दरमियान में, 6 6 जार फार्मूला बंद करें,
ये आ गया ए और बी का होल स्क्वायर माइनस सिक्स जी का होल स्क्वायर। अब तुमने माइनस है तो उसका मतलब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, पीछे सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर चुके हैं। आई होप अब मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। ये वाली जस्ट रकम प्लस में आ गई, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट सिक्स की तरफ। इस क्वेश्चन को इस तरह आपने अरेंज करना है कि हमारे पास ना फार्मूले की वैल्यूज आ जाए। तो मैंने इसको अरेंज किया इस तरीके से, एक्स के स्केयर माइनस फोर जी प्लस फोर जी का स्केयर माइनस वाई का स्केयर। ठीक है, फार्मूला खोलें, ए का स्केयर। नेक्स्ट हम फार्मूला ओपन करते हैं, ए का स्केयर माइनस टू ए, टू ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी टू जी प्लस बी का स्केयर, ये एज इट इज आ गया। इसका भी मैंने स्केयर ले लिया, फार्मूला बंद करें, माइनस था टू जी माइनस वाई का स्केयर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। एक्स टू जी माइनस वाई, एक्स माइनस टू जी प्लस वाई, ये आंसर होगा। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 5.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।